शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हमारा जो शाम का 7 बजे का प्रोग्राम है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग शिरशूल हेडेक के जब पेशेंट आते हैं तो आयुर्वेद में किस तरह से देखा जाता है, दोषों के अनुसार किस तरह से चिकित्सा किया जाता है, यह मैं बताऊंगा। छोटे छोटे योग बताऊंगा और छोटे छोटे हेतु भी बताऊंगा जो आप लोगों को जरूर काम आने वाला है। और आप लोग ना इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी चीज है ये हमारे आदरणीय गुरुजी के नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप लोगों को जरूर काम आने वाला है। तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, आपके स्क्रीन पे सब कुछ दिखेगा। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट भी बना देता हूँ कि अगर इनकेस मेरा ये हो जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए, तो आप लोग चर्चा करते रहेगा, फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा। बस 2 मिनट रुके, मैं यहाँ पे लैपटॉप का मेरा कुछ गड़बड़ है, मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ। तो जब शिरशूल के पेशेंट आते हैं तो हम लोग ना शिरशूल को 5 ऐसे सीरीज में कंप्लीट करेंगे। आज मैं वात प्रधान शिरशूल इस पे बात करने के लिए आया हूँ। बाकी लोग म्यूट करिए प्लीज। हाँ, तो आज हम लोग ना वात प्रधान शिरशूल पे बात करेंगे। और क्योंकि वात का प्रकोप जब हो जाता है, जैसे कि अपान वायु की दुष्टि हो जाती है, तो पेशेंट हमारे पास आते हैं कि पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें वायु के मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके और उसके बाद हमें चिकित्सा का सोचना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, मैं एक मिनट, यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए, मैं अभी आप लोगों से ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, मैं तब तक बोलते रह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो हेडेक वाले जो पेशेंट आते हैं, जो वात प्रधान होते हैं, तो हमें एक मिनट रुकिए, मैं अगर बोलते रहूंगा तो ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मुझे लैपटॉप से ज्वाइन होना है, वहां से इजी रहता है। एक मिनट रुकिए, हाँ, अब मैं लैपटॉप से जुड़ गया हूँ, मैं आप लोग के सामने ये स्क्रीन पे दिखेगा भी। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, पहले तो मुझे सभी लोगों को म्यूट करने दीजिए ताकि डिस्टर्ब ना हो।
अभी मैं शुरू करता हूँ अपना लेक्चर। तो हमारे पास वात प्रधान शिरा शूल के पेशेंट आते हैं, तो इसमें कभी कभी क्या होता है, हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, तो कभी कभी केवल और केवल शुद्ध शिरा शूल होता है, कभी कभी बहुत बड़े बीमारी का वो लक्षण होता है, लक्षण के रूप में होता है, कभी कभी वो इमरजेंसी में तात्कालिक एक शिरा शूल होता है, तात्कालिक होता है। इसमें अवस्था ज्यादातर साम अवस्था ही रहती है, इसको हमेशा याद रखे, जब भी वात प्रधान शिरशूल है तो साम अवस्था ही रहेगी, निरामावस्था शिरशूल में नहीं रहती है। इससे संबंधित व्याधियां क्या हो सकती है जिसकी वजह से शिरशूल हो सकता है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि बॉडी में रुक्षता बढ़ गई है, शरीर में रुक्षता बढ़ने की वजह से शिरशूल हो रहा है, कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से हेडेक होने लगता है, या फिर काम शोक भयाद वायु जब बोलते हैं, काम से भय से शोक से बहुत ज्यादा हेडेक होने लगता है, किसी ने कोई बात ऐसी सुन ली, किसी ने कुछ डांट दिया तो हेडेक बहुत ज्यादा होने लगता है, ट्रेवलिंग कर लिया या फिर बहुत ज्यादा मैथुन कर लिया या फिर बहुत ज्यादा चिंता कर लिया, किसी भी वजह से जो वायु का प्रकोपक आहार और विहार है उसके वजह से बॉडी में रुक्षता बढ़ती है, एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं और उसके वजह से शिरशूल होने लगता है। तो ये तीव्र शिरशूल भी हो सकता है, अनिद्रा के वजह से भी शिरशूल हो सकता है, अस्वस्थता रहता है उसमें और शरीर में रुक्षता बढ़ती है, कभी कभी ज्वर वात ज्वर में शिरशूल होता है, कभी कभी चक्कर बहुत ज्यादा आता है, भ्रम होता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, ऐसे सारे सिम्टम्स के साथ हेडेक हमेशा आता है। इसमें दोष अगर हम देखेंगे तो वात पित्त कफ तीनों दोष रहते हैं, धातु देखेंगे तो सामावस्था है और रस धातु का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, मल में पुरीष का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, मूत्र श्वेत का उतना नहीं रहता है, मूत्र वेग को रोक दिया तो हेडेक नहीं होगा इतना जितना पुरुष वेग को रोक के रखा, या अपान वायु नहीं निकल रहा है, अपान क्षेत्र में कुछ दृष्टि है खासकर पुरुष में, तो वह तुरंत ही हेडेक करने लगता है। इसमें स्त्रोतस अगर देखेंगे तो महास्त्रोतस अन्न व स्त्रोतस है, उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर दिखाई देता है। शरीर अगर देखेंगे हम इसका एनाटॉमी देखेंगे तो जत्रु के ऊपर जो अस्थि है सब मैंडिबुलर ज्वाइंट वहां से लेके ऊपर का पूरा भाग, और आंखें भी हो सकते हैं, फिर उसके बाद में पूरा हेड हो सकता है, कपाल हो सकता है, टेम्पोरल एरिया हो सकता है, ऑसिपिटल एरिया हो सकता है, फ्रंटल एरिया हो सकता है, ये सारे एरिया को ये कवर करता है हेडेक जब रहता है तो। अब वो अलग अलग व्याधि में शंखक रोग में बताया है, अर्धावभिदक में बताया है, अलग अलग जगह पे हो सकता है। उसी तरह से पक्वाशय, इसका मेन हेडेक जो वातज रहता है तो उसमें पक्वाशय का इन्वॉल्वमेंट जरूर देखना चाहिए, मस्तक का देखना चाहिए, और कपाल मतलब फ्रंटल एरिया जो मस्तक होता है उसको और पूरा सिर उस सबको स्कल को पूरा दिखना चाहिए। इसमें अब चिकित्सा अगर देखेंगे तो अभी पहले तो हमें हेतु निकालना पड़ता है कि क्यों हेडेक हो रहा है, क्या कारण से क्या हेतु से हेडेक है, फिर उसके बाद में इसमें चिकित्सा देना है तो हमें परमानेंट इलाज करना है तो शोधन करना बहुत जरूरी है, तो दीपन पाचन और अनुलोमन, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो तुरंत बस्ती दे दीजिए, नीरू बस्ती दे दीजिए या शोधन करने का बस्ती दे दीजिए, तो शोधन करना बहुत जरूरी होता है। फिर शमन चिकित्सा करना पड़ता है, लेपन करना पड़ता है, नस्य लेपन में जैसे दालचीनी को पीस के और सिर पे लगा दिया तो तुरंत लेपे सर दर्द का बहुत रिलैक्स हो जाता है, ऐसे बहुत सारे तेल भी होते हैं, वो बनफूल तेल होता है, फिर बहुत सारे तेल होते हैं, तो वो एक डर्मिकुल ऐसे तेल का तो बहुत प्रचार भी आता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिर नस्य के रूप में भी हम लोग प्रयोग करें, और इन सब से ना क्या है कि वायु का शमन जिस भी तरह से हो रहा है, वायु का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है, वायु का शमन होना बहुत जरूरी है, तो उसके वजह से शिरशूल में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से गुरुकुल पारंपरिक उपचार में अगर देखे जाए तो वात शिरशूल जब रहता है तो जिह्वा का परीक्षण से कृमि और मलावरोध का ज्ञान हो जाता है, तो मलावरोध का ज्ञान कैसे होगा कि जीभ में पूरी तरह से कोटिंग हो जाता है, और कृमि का भी इतिहास है कि नहीं वो पता चल जाता है। अगर मलावरोध की वजह से शिरशूल हो रहा है तो इसमें एक चम्मच गंधर्वहरित की या उसका टैबलेट गर्म पानी के साथ देने से तुरंत ही फायदा हो जाता है। उसी तरह से अगर बहुत विश्रांति नहीं मिल पा रहे, ओवरलोडेड काम है या जागरण हो गया है या फिर किसी ना किसी वजह से नींद नहीं हो पा रहा, रेस्ट नहीं मिल पा रहे, तो उसकी वजह से भी हेडेक बहुत ज्यादा हो जाता है, तो नींद पूरा होने के लिए निद्राकर वटी करके आता है, या अहिपेनासव आता है, या मासादि क्वाथ आता है, या शिरोधारा शिरोपिचू नस्य पादाभ्यंग ऐसे बहुत सारे उपचार हैं, सर्पगंधावटी, ये सबसे क्या होता है कि नींद अच्छी आने लगती है, और अगर निद्रा कर बटी है भैंस का दूध के साथ दे दिया जाए तो भैंस का दूध जो है वह निद्रा जनन है। इसी तरह से पुष्कर मूल का क्वाथ है वह भी निद्रा जनन बताया अंगसेन में। इसी तरह से कुष्मांड पाक,
तीन छोटे चम्मच अगर खिला दिया जाए उससे भी शिरशूल में बहुत अच्छा, क्योंकि वो ब्रीहन करता है, वायु का शमन करता है, इसलिए कुष्मांडवले या कुष्मांडपाक या ये पेठा की मिठाई अगर खिला दिया जाए तो वातजन्य शिरशूल में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, सुबह शाम पानी के साथ लेना चाहिए। इसी तरह से मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम शोक भयाद वायु, स्ट्रेस की वजह शोक बहुत ज्यादा है, चिंता बहुत ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, और मानस विकार होके बहुत हेडेक हो रहा है, तो ब्राह्मी वटी तीन तीन गोली सुबह शाम दे दे, और तीन सुबह जब दे तो भूखे पेट दे, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, उससे मेंटली बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह से वायु का अनुलंबन करने के लिए दशमूल का काढ़ा, त्रिफला, फिर आरगवत का काढ़ा, आरगवत जो अंदर का जो मज्जा होती है उसकी काढ़ा का बस्ती देने से वायु का अनुलोमन होने से वात शिरशूल में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से पेट साफ होने में भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। फिर नाक में सादा जो घी होता है उसका नस्य लेना चाहिए, नाक में तेल डालना चाहिए नस्य। इसी तरह से सिर शिरो पीचू करने से वात शिरशूल में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। कान में लहसुन का तेल डाल के और थोड़ी देर डाल के फिर निकाल देना, लहसुन सिद्ध सरसों का तेल ये डाल के निकालना है। इस तरह से कर्ण पूरण करने से वात शिरशूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पूरे शरीर में शतावरी सिद्ध तिल तेल, इसका अगर अभ्यंग कर दिया जाए तो वात शिरशूल में फायदा होता है, या बलदायी महानारायण तेल, उससे अगर पूरा बॉडी में अभ्यंग कर दिया जाए और महानारायण तेल से पादाभ्यंग कर दिया जाए तो हेडेक में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर कृमि जन्य इतिहास है, पेट में कीड़े हैं बहुत ज्यादा, तो कृमि नाशक वटी तीन तीन गोली सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कंपीलक वटी या कपिलादि वटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा तो ब्रह्महरि गण हमारे सर के फॉर्मूला बुक में वो दे दे, जिसमें धमासा है, निशोत्तर है और एक और चीज है, तो उसको देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, वो सर के फॉर्मूला बुक में लिखिए। उसी तरह से चंद्रकला रस, अगर चक्कर बहुत ज्यादा रहे पित्तजन्य है तो चंद्रकला रस, लघु शूर्पणखा रस, शूर्पणखा रस, प्रवाल पंचामृत, जो पित्त का शमन करने वाले हैं द्रव्य, उनका प्रयोग करने से सुबह शाम करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर बीपी हाई होने की वजह से अगर बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है तो बीपी के जो एलोपैथी की दवाई है या आयुर्वेद की मुक्तावटी या जो भी बीपी की दवाइयां हैं वह देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ग्रंथों में वात शिरशूल के लिए क्या क्या बताया है, तो शतावरी कल, इसका प्रयोग करने से वात शिरशूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। शिरशूल वात के प्रकोप से, शूल शब्द ही है वायु की वजह से, पित्त वाला भी होता है, कफ वाला भी होता है, वो अनुबंध से होता है, मेन शूल का मेन है, तो यह हम लोग बोलेंगे वायु की वजह से ही होता है। फिर च्यवन प्राशावले अगर ले ले तो वातजन्य शिरशूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। भृंगराज तेल, इसको पीने के लिए 2-3 ड्रॉप से 5-10 ड्रॉप तक पिए दूध में डाल के, या फिर नस से लें या शिरो अभ्यंग करें, शिरो पिचू रखें, उससे भृंगराज तेल से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर लक्ष्मी विलास रस, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। नारदीय लक्ष्मी विलास रस दें या साधारण लक्ष्मी विलास रस दें। इसी तरह से कोई भी तरह का अगर कारण से सर दर्द हो रहा है तो लघु शूर्पणखा औषध है वो रामबाण औषधि है, क्योंकि इसमें गैरिक है, वो पित्त का तुरंत शमन करता है, और वायु का भी मतलब पृथ्वी महाभूत प्रधान गैरिक होता है लघु शूर्पणखा में, तो उससे तुरंत फायदा हो जाता है, वायु का शमन हो जाता है। उसी तरह से गोदंती भस्म, पथ्यादि क्वाथ, इनका प्रयोग करने से और या शिरशूलादि वज्र रस, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर इमरजेंसी है और बहुत ज्यादा शिरशूल हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एलोपैथी में तो डिस्प्रिन देते हैं, टीवी में ऐड भी आता है कि डिस्प्रिन ले ले, आयुर्वेद में अगर इमरजेंसी में बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, वातजन्य है, तो लघु शूर्पणखा रस को तीन तीन या दो दो गोली को चूस के लें, सब लिंगोली लें, तो तुरंत ही फायदा हो जाता है। इसी तरह से इसमें खास रूप से मल प्रवृत्ति होना, नियमित रूप से मल प्रवृत्ति होना, और पेशेंट को बोलना चाहिए कि सूर्योदय के बाद में सोना नहीं है, तो मल प्रवृत्ति होना बहुत जरूरी है, और नींद पूरा होना यह इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। मूल कारण जो होता है उसको पहले तो दूर करना चाहिए। इसी तरह से टाइम पर सोना और हिसाब से खाना खाना, अति प्रमाण में ना खाना है, रुक्ष आहार नहीं खाना है, स्प्राउटेड चीजें नहीं खाना है, जो चूड़ा पोहा होता है वह ज्यादा नहीं खाना है, या फिर बासी खाना नहीं खाना है, तो हिसाब से खाना और अच्छा खाना, फ्रेश खाना ये करना पड़ता है। और सिर दर्द का कारण क्या है, कभी कभी लोग बहुत ज्यादा ठंडे में सो जाते हैं और उनको ठंडी बजने की वजह से कान में कान ढक के नहीं सोते और उनको हेडेक होने लगता है, तो वह कारण दूर करना पड़ता है।
और नियमित रूप से देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम, कभी कभी चश्मा का नंबर बढ़ने की वजह से भी वातज शिरशूल होते हैं, उसको चेक करना पड़ता है, आंखें देखना पड़ता है। फिर ये जो कटु रसात्मक द्रव्य और उष्ण पदार्थ, जो गर्म मसाले वाले पदार्थ है, कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, ये अति प्रमाण में खाने से वायु का प्रकोप हो जाता है, तो उसको पूरी तरह से वर्ज करना चाहिए। इसी तरह से कुपथ्य क्या होता है कि जो चिंता का विषय है, जैसे कि किसी को पैसे का प्रॉब्लम होता है, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में सभी को रहता है, फाइनेंशियली फैमिली का या कुछ ना कुछ रहता है, तो चिंता का विषय के तरफ ध्यान ही ना दे। या किसी का सडन डेथ हो गया, या शेयर मार्केट में पैसा बहुत डूब गया, या फिर नौकरी नहीं मिल रही है, किसी भी वजह से कुछ प्रॉब्लम, या फिर कुछ घर में ऐसे वाद विवाद हो गया जो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो जो चिंता का विषय है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। और बहुत ज्यादा शोक नहीं मनाना है, वही वही बात को मतलब कुछ चेंज करे टॉपिक, दिमाग में कुछ और लाइए। तो जैसे कि वो मूवी में था, थ्री इडियट्स में, कि ऑल इज वेल, ऐसा जब बोलेंगे ना, तो मतलब वही बात में नहीं करना है, हंसना और थोड़ा खुश रहने का कोशिश करना है। फिर उसके बाद में पकोड़े वगैरह नहीं खाना है, और रुक्ष पदार्थ नहीं खाना है, वातवर्धक आहार विहार नहीं करना है, धूप में नहीं घूमना है, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है। जो लोग एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, सोते कम है, एग्जाम के टेंशन में बहुत सारे लोग, बच्चे लोग ऐसे करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा हेडेक होने लगता है, नींद पूरी नहीं हो पाती है स्ट्रेस की वजह से। और कम अक्षर का और कम लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में वाचन नहीं करना है, इससे हेडेक होता है। और खाने के बाद तुरंत खाना खाना, ये करने से भी हेडेक बहुत ज्यादा होता है। रसायन चिकित्सा में इसमें च्यवनप्राश रोज दो दो सुबह शाम 1 कप दूध के साथ लेना चाहिए। कुष्मांड पाक का प्रयोग 3-3 चम्मच सुबह शाम करना है दूध के साथ, तो इससे रसायन के रूप में इसका लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं, तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और ब्रीहण होते रहता है, हेडेक नहीं होता है। इसी तरह से शवासन करना, योग और व्यायाम में शवासन करना बहुत अच्छा लाभकारी होता है। और हॉस्पिटल शतावरी सिद्ध तेल का मसाज करके, या फिर बला से चंदन बला, लक्षादि तेल, शुद्ध बला तेल, शीर बला तेल, इन सबसे अभ्यंग करके, या महानारायण तेल, दशमूल तेल, ऐसे बहुत सारे तेल हैं, उनसे अभ्यंग करा के पूरे शरीर में अभ्यंग कराना चाहिए, काढ़ा का बस्ती देना चाहिए, पूरा विश्राम विश्रांति विश्राम करना बहुत जरूरी होता है। लो हेड पोजिशन में सोना है, तकिया बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखना है, और आंखों का परीक्षण करना है, और बीपी का परीक्षण हमेशा करना है। ब्लड प्रेशर अच्छा रहा तो फिर शिरशूल में बहुत अच्छा फायदा रहता है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ कि हेडेक बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से पंचकर्म में घी का सेवन कराना चाहिए, अग्नि को बढ़ा के घृत सेवन, नस्य का प्रयोग, तेल का शिरोपीचू, कर्ण पूरण, सर्वांग अभ्यंग करना बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और चिकित्सा में पहले तो ये देखना चाहिए कि इंटेंसिटी कितना है, कितना हेडेक का लेवल बढ़ रहा है, उसको देखना चाहिए। और ज्यादातर तो ये इमरजेंसी कंडीशन रहती है कि बहुत ज्यादा हेडेक होने लगा, रात्रि जागरण किया, कोई वजह से रात भर सोए नहीं, और फिर दूसरे दिन हेडेक होने लगा, तो जो भी हेतु है उसको ठीक करके पेशेंट को सुला देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर सोते रहे, रात भर जागते रहे, दिन भर सोने से कफ शिरशूल हो सकता है। जितना रात को जागे हैं उसका, जितना टाइम जागे हैं उसका हाफ टाइम दिन में सो सकते हैं, और भूखे पेट सोए तो फिर वो दोष का प्रकोप नहीं होता है। खाना खा के सोएंगे तो कफ का प्रकोप होके, स्त्रोत्रोध होके, अभिसंधि गुण बढ़ के बहुत सारी व्याधियां हो जाती हैं। अब पुनर्भव चिकित्सा में लघु सूर्य रस का प्रयोग करना चाहिए, और इसमें घी का नस्य बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है, और निद्रा करवटी, त्रिफला चूर्ण रात्रि में रोज लेना, रोज का रोज पेट साफ होना, जब त्रिफला चूर्ण से पेट साफ होने लगा और उसके बाद बंद कर दिया जाए, खुद का खुद पेट साफ होना चाहिए। सुबह वॉकिंग करना, प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार करना, ये बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और शोधन करके फिर प्रथम क्या कारण है वह देखना चाहिए, वह दूर करना चाहिए। और कोई भी कारण से आंखों का मिथ्या योग, अति योग, इससे भी सर दर्द होता है, मोबाइल पे कंटिन्यू देख रहे हैं, लैपटॉप में कंटिन्यू कुछ तो चीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, या फिर टीवी बहुत पास से कंटिन्यू देख रहे हैं, तो वह अति योग होना चाहिए। मिथ्या योग को भी टालना है कि देखने के लिए क्या गए थे और देख क्या और चीज रहे हैं जो शरीर को नुकसान देगा। फिर बीपी को देखना चाहिए, बीपी अगर बढ़ा हुआ है, किस कारण से बढ़ा हुआ है, उसका हेतु बन करके बीपी की दवाइयां लेनी चाहिए, और शरीर में वायु नहीं बढ़े इसका ध्यान रखना चाहिए, मल का अवरोध ना हो, मल मूत्र का अवरोध ना हो ये देखें, और रोज रात में कम से कम सिर में सरसों का, सॉरी, नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल होता है,
पूरे इंडिया में नारियल का तेल ये सबसे बेस्ट रहता है। सिर पे रोज नारियल का तेल डालें, या बहुत सारे ब्राह्मी आंवला केश तेल है, आंवला तेल है, जो बालों के लिए तेल है वह जरूर लगाना चाहिए। इससे शिरशूल नहीं होता है, क्योंकि वायु का प्रकोप जो है वो बहुत ज्यादा डेंजर होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। तो अभी मैंने शिरशूल, वात प्रधान शिरशूल इस पे लेक्चर दिया, अभी हम लोग कल दूसरे पित्त शिरशूल पे बात करेंगे। अभी आप लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण करते हैं। कुछ आप लोग अपने केसेस बताइए, 1 मिनट अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन देता हूँ। हाँ डॉक्टर कंचन मैम, आपके पास वाता शिरशूल के पेशेंट आते हैं? प्रणाम सर। जी हाँ सर, पेशेंट आप कुछ बहुत आते बताइए। हैं सर, पेशेंट बहुत आते हैं, और आपने जो हेतु बताया है ना, बहुत ही ऐसे ही हेतु मिलते हैं, और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा बताया आपने। मैं मेरे साइड से बताऊंगी थोड़ा सा। जैसे मैंने अभी चा, चा, 3 दिन पहले की बात है, आस्था और मैं हमेशा आते समय टैक्सी में एक साथ आते हैं, तो वो मुझे बोल रही थी, मम्मा मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, दोपहर से ही बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। तो घर पे आने के बाद वो फ्रेश हो गई, मैं फ्रेश हो गई, उसको फिर ना मैंने बादाम रोगन तेल नाक में डाल दिया। हार्डली 2 से 3 बूंद ही डाला, क्योंकि हम टैक्सी में आए थे तो, और उसका सीवियर हेडेक हो रहा था। तो वो बोलती है मुझे पैरासीटामोल ले लूँ, तो मैंने बोला नहीं रुक 2 मिनट, मैंने डाल दिया। 15 मिनट वैसे ही लेटती रही, फिर उठने के बाद बोलती है ये तो पैरासीटामोल से भी जल्दी काम किया, बोले एकदम नॉर्मल हो गई थी वो। और फिर मुझे बोलती है बहुत, मतलब तेरा आयुर्वेद ना बहुत ही चमत्कारिक है, ऐसे बोलती है मुझे। तो मैंने फिर बोलती है कि ऐसे क्यों हुआ, तो मैंने उसका कॉज उसको बताया कि जैसे अभी उसकी एग्जाम आ रही है ना पास में, वो जागरण तो नहीं करती है बिल्कुल भी, जैसे 12 बजे तक भी नहीं जागती है वो, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 11:30 बजे तक सो जाती है, और सुबह 6 बजे उठने की आदत है, पूरा दिन यूटिलाइज करती है। पर वो क्या हो रहा है ना कि 10-10, 12-12 घंटे दिन के भी यूटिलाइज हो रहे हैं, और कंटिन्यू एक तो बुक्स पढ़ना, थोड़ा सा मोबाइल देखना, उसका जो आईपैड है वो देखती रहती है, तो कंटिन्यू उसके वजह से, और बहुत थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा हाई है, बहुत सारी पढ़ाई है नहीं हुआ, ऐसे ही लगता है जितना पढ़े तो भी ऐसे लगता है कम है। वो सोच रही थी बहुत ज्यादा, मैं देख नोटिस भी कर रही थी उसको 2-3 दिन से कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है करके। तो मैंने ऐसे डाला, उसको बोला कि ये तेरे सिर में जो फैन घूम रहा है ना, उसको मैंने स्टॉप कर दिया तेल डाल के। तो वो हंसने लगी, उसको समझाया फिर मैंने मेरे आयुर्वेद के हिसाब से। तो सर ऐसे ही बहुत, मतलब जैसे कि ये वायु की वजह से ही उसका हेडेक हो रहा था, और फिर मैं कंटिन्यू उसको अभी 4-5 दिन से तो मैं रेगुलर ही डाल रही हूँ उसको बादाम रोगन तेल, क्योंकि एग्जाम की वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस आउट, तो अभी मैं देख रही हूँ 4 दिन से एकदम नॉर्मल बिहेवियर है, बिल्कुल चिड़चिड़ नहीं है, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रही है। तो ये मैंने फायदा बहुत अच्छे से देखा, बाकी मेडिसिन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बाकी ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं, एक मैं एक 17-18 साल की बच्ची थी जो कि बहुत सीवियर हेडेक, और उसे वो बोलती थी कि मुझे बहुत उल्टियाँ वगैरह भी होती थी, वो माइग्रेन करके मेरे पास आई थी। तो उसे मैंने 1 मंथ ट्रीट किया सर, तो उसको भी काफी अच्छे से रिजल्ट आया, जो कि वो 2 साल से परेशान थी, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो ऐसे पेशेंट मतलब आए दिन मिलते ही रहते हैं, हेडेक होने का कारण जैसे बहुत बार मैंने कॉन्स्टिपेशन भी दिखाया देखा है, जैसे कि हाँ बहुत बार ऑफिस में बैठे हैं लोग, वायु का वेग रोक रहे हैं, या फिर मोशन पास नहीं करते हैं, बहुत बार यहाँ पे चाली में रहने वाले लोग हैं और ट्रैवल करके आते हैं, मोशन पास ही नहीं करते हैं, तो इनमें भी ये हेडेक की हिस्ट्री मिलती है। और खाने पीने का तो यहाँ का सिस्टम पूरा गलत ही है, जैसे कि वड़ा पाव खाना, रात का जागरण करना, ये सभी चीजें यहाँ पे मतलब मुंबई साइड में मोस्टली बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए बीमारियां भी बहुत मिलती है यहाँ पे। तो सर ये बहुत ही कॉमन डिसीज है, कि ऐसे नहीं बोल पाएंगे हम भी, कभी कभी बहुत ज्यादा ट्रैवल करके आए हैं, या फिर हम टीवी ज्यादा देख लिए, या फिर हमने मोबाइल का यूज ज्यादा कर लिया, तो हमें भी बहुत बार देखने को मिलता है कि हम खुद भी महसूस करते हैं वात शिरशूल। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने अगर हेयर ऑयल लगा लिया तो फिर मुझे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, मैं सिर पे थोड़ा दिव्य धारा वगैरह लगा लो तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत बार ऐसे होता है कि ज्यादा बुक्स पढ़ लिए तो भी मुझे थोड़ा सा आई पे स्ट्रेन आके थोड़ा हेडेक लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, मैं नस्य करती हूँ शीरबला का। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया, और बहुत ऐसे ही हेतु मिलते हैं। जी सर, हाँ बहुत अच्छा बताया आपने मैम। और किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कर सकते हैं, जो वात शिरशूल के हैं।
डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, डॉक्टर माधुरी मैम, कुछ बताइए आप लोग। प्रणाम सर। हाँ मैम बताइए, आपके पास ऐसे पेशेंट है? हाँ सर, सिरशूल के पेशेंट्स तो काफी आते हैं। अभी कल का ही एक केस था, मतलब 2 दिन पहले वो पेशेंट मेरे पास आई थी। उनको कुछ गर्दन में तनाव भी था और उनका बीपी हाई हुआ था। एज सिर्फ उनकी 29 ईयर है और टीचर हैं वो। और अभी उनकी मतलब कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी तो थोड़ा सा तनाव ज्यादा था। और उनको बीपी की प्रॉब्लम 6 to 7 months पहले ही शुरू हुई, मतलब एलोपैथिक ड्रग्स उनकी तभी शुरू हुई। उनको कंप्लेंट सिरसूल की ही थी पहले, कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनका सिरसूल ये गर्दन के कारण है या फिर उनको वो बीपी के कारण है। उनको सिर में चक्कर भी रहते थे तो वो बीपी की दवाई लेना शुरू हो गया। उससे उनके सिर के थोड़े से भारीपन कम हो गया, लेकिन सिर का दर्द नहीं गया और गर्दन का तनाव भी नहीं गया था। फिर उनको मैंने सर थेरेपी के लिए जब दिया, पंचकर्मा की थेरेपी में उनको सर मैंने अभ्यंगम छेदन के अलावा ग्रीवावस्थी और नस्यम दिया सर। उनको फर्स्ट डे मैंने यही किया, उसके बाद सेकंड डे उनको मैंने एक शिरोधारा दिया सर। उनका उसी से बीपी 150 से 120 आ गया। सेकंड डे के ट्रीटमेंट के बाद ही उनका बीपी, मतलब मेडिकेशन में सिर्फ उनको मैंने बस थोड़ा सा प्रवाल पिस्टी और इधर थोड़ा सा द्राक्ष आदि कषायम और धनवंतरी गुल का, ये 3 चीजें दी थी। और उसके बाद ही उनका बीपी बहुत आराम से 150 से 120 आ गया 2 डेज की मेडिसिन के बाद ही, और उनका हेडेक भी बिल्कुल खत्म हो गया। तो वही है सर, अगर हम कारण पे कार्य करते हैं तो कोई भी डिजीज ट्रीट करना टफ नहीं होता है। और ये बात है शिरशूल में तो बिल्कुल साफ साफ, अगर हम ऑयल का प्रयोग नस्यम के तौर पर या शिरधारा के रूप में करते हैं तो उसका मार्वलस रिजल्ट आता है। जी बहुत अच्छा बताया मैम आपने, बहुत ही अच्छा बताया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जी थैंक यू मैम। और इंटरनल दवाइयों में आप क्या देती हैं, क्या सजेस्ट करेंगी? वातश शिरशूल का बस बताइए। हाँ तो सर, वातश शिरशूल में से कि हमें सर पथ्यादि कषायम बहुत अच्छा प्रयोग करती हूँ मैं, इस पथ्यादि कषायम और शिरशूलादि वज्रस और गोदंती का, ये 3 चीजें ही काफी अच्छा रिजल्ट दे देती हैं। और सर जैसे मैंने अभी इनमें कहा कि उनका ऑयल का प्रयोग इंटरनली भी करने के लिए उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। घृत का प्रयोग भी, जैसे कि आजकल जो बहुत कम हो गया, मेरे कुछ पेशेंट्स को मैंने आपको भी बताया था कि घी देना जो शुरू किया है तो उनके बहुत से दर्द, इवन वातश शिरशूल भी कम होगा और बॉडी में और भी जो कहीं वायु के कारण कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होंगी वो सब खत्म होती है। तो ये मेरा एक मतलब सभी लोगों से आग्रह है कि जो घी ना लेने का एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है उस चीज को खत्म करते हुए पहले दीपन पाचन करके अच्छा सा उसका अग्नि प्रदीप करें और फिर घृत का पान भी पेशेंट्स को करवाना शुरू करें, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने। और यहाँ पे कौन प्रैक्टिशनर लोग हैं? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आप कृपया बताइए आपका क्या अनुभव है। डॉक्टर मंदाकिनी जी आप बताइए। हाँ भट्ट जी सर बोलिए बोलिए। हाँ सर, सर ये शिरशूल तो सर बहुत ही कॉमन है और बहुत मतलब केस मतलब आते हैं, सभी के पास आते होंगे। और इसमें मैंने एक चीज देखी है कि जो आयुर्वेद के पास जो पेशेंट आते हैं तो उसमें मतलब त्रिदोष संप्राप्ति हो चुकी होती है उनका, वात का और उनका पित्त का और उनके कफ का, इनका तीनों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका होता है। और मैंने मुख्यली जो शिरशूल देखा है तो एक जो बहुत चालू नाम है माइग्रेन, और ये पेशेंट काफी देखने को मिलते हैं कि उनको एक तरफ पेन होता है और पेन होने के बाद उनको वॉमिटिंग हो जाती है, वॉमिटिंग के बाद उनको पेन सबसाइड हो जाता है। और दूसरा सर यहाँ पे बहुत कॉमन है देखने तो वॉमिटिंग वाला है वो तो पित्त वाला हो गया, वो हम कल चर्चा करेंगे। हाँ हाँ तो ये मतलब, और एक दूसरा मैंने काफी देखा है ये आपका अम्ल पित्त जन्य शिरशूल, पित्त वाला आप कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड या ट्रैवलिंग रिलेटेड ऐसे वाला बताइए, बात वाला। सर बात वाला एक पेशेंट आई थी मेरे पास, उनको उनको लेकिन उनको अम्ल पित्त था लेकिन उनको इतना सीवियर पेन होता था कि वो मतलब बिना उनको कोई भी मतलब डाइग्लोफिनेक या डोरोनेक्स के बिना उनका वो पेन कम होती नहीं था। तो उसमें वात का मेन मतलब उनका इंडिकेशन था उनको। और वो पेशेंट जो मेरे पास आई थी तो करीब मेरे पास 1.5 घंटे रुकी थी और मैंने उसको क्षीर वाला तेल का नस दिया था।
और वो नस देने देने की करीबन, मतलब समझ लीजिए कि करीबन 1.25 घंटे लगे उसको पेन पेन जाने में। उस दिन हमारी शिफ्टिंग होती नए वाले हॉस्पिटल में, तो वो सब काम भी चल रहा था और वो पेशेंट भी मैनेज हो रहा था। लेकिन जब मैंने उनको नस से दिया था तो नस से वो पेन उनका पूरी तरह से सबसाइड हो गया था। और उनको मतलब उनका फॉलोअप भी आया था बाद में कि हमें कोई मतलब इंजेक्टेबल नहीं लेना पड़ा, हमारा बढ़िया मोशन हुआ और ये जो आपने दवाई डाली है हमारे, उससे में काफी फायदा हुआ। फिर मैंने उनको 2-3 बोतल दे दी थी कि आप घर पे डालते रहना। तो वातश्शूल वाला पेशेंट सर ऐसे ठीक हुआ था। और एक और बड़ी कॉमन है जो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट आते हैं, इनमें भी रिफर्ड पेन होता है आपका। तो ये इसमें भी हम लोग जैसे अपन का स्थानिक स्नेह शोधन करा दें, या जो वातिक शिरशूल के पेशेंट मैंने जो देखे हैं उनको मैंने बस्तियां काफी दी हैं, तो उनको अपन आपका अनुवासन बस्ती, निरु बस्ती अल्टरनेट दे के भी हम इसको सब्साइड कर सकते हैं। और यहाँ पे नस हो गया, स्थानिक स्नेह शोधन हो गया, और ग्रीवा बस्ती जैसी दवाई मतलब चिकित्सा भी इसमें हम कर सकते हैं सर। जी। और डॉक्टर, थैंक यू सर। डॉक्टर मंदाकिनी जी, आप कुछ बताना चाहती हैं? हाँ सर, बताना चाहूंगी। मैं अभी एक पेशेंट अभी जस्ट अभी मैंने देखा है, और सारा कुछ मैंने डायग्नोसिस बनाने के बाद उसको जो सर ना वात प्रधान ही उसको शिरशूल था, लेकिन वो माइग्रेन ही था। और जहां तक मैंने उसका फाइंड आउट किया वो वातज पित्तज था। जब भी वो मतलब जैसे खेत वेत में काम करती है ना तो उसको चालू हो जाता है। तो अभी तो सर मैंने फिलहाल अभी उसको बोला है कि आफ्टर फूड आपको ब्राह्मी घृत खाने के लिए, भाई छोट टेंशन रहती है ना बहुत, तो वो 15 से 20 ml मैंने उसको वार्म वाटर बोला हुआ है। बाद में फिर मैंने सोचा है कि उसको नस्य वगैरह दूंगी। और एक चीज और है सर, मैं ना आए दिन मैं देखती हूँ तो ये जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले है ना, ये जो होते हैं इनके में ज्यादा शिरशूल के होता है, क्योंकि इनका हैबिट जो होता है खाने पीने का बाहर का होता है, इरेगुलर होता है। और फिर ये हमेशा ऐसे फैशनेबल कपड़े पहन के अपने आप को पूरी तरह कवर नहीं करते हैं, हेयर खोल के घूमते रहते हैं, और अलग अलग तरह के जो ये अप्लाई करते हैं ना केमिकल्स वाले हेयर कलर करने वाले, तो सर इनका भी काफी इफेक्ट पड़ता है इन सब चीजों पे। तो इन सब के लिए भी इनको मना करना ही पड़ता है। और सर मैं थोड़ा सा इसमें ना योग का करती हूँ, जैसे सीवियर कंडीशन वाले ये माइग्रेन वाले आते हैं ना, तो इनमें तो लॉन्ग थेरेपी चलती है। तो मैं सर एक हफ्ते का ना योग निद्रा सेशन देती हूँ अपने मरीजों को, साथ में उज्जायी और अनुलोम विलोम का ओम चैंटिंग का देती हूँ, जिससे कि इनको जो स्ट्रेस के साथ में, और ये जो मेनली इनका जो होता है ना कि स्ट्रेस ही होता है, कोई भी अगर कहीं से आए या फिर कुछ लाइट जल गई कुछ ऐसे करके, तो इन लोग का इसके थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन के लिए सर ये योगा वाला जो थेरेपी आपने ऐड भी किया था ना शवासन वगैरह, ये काफी अच्छा लगता है। और मेरी ड्रग ऑफ चॉइस तो सर शिशुलादि वज्र रस है ही है, साथ में अश्वगंधा चूर्ण वगैरह, या फिर ये सूत शेखा रस या गोदंती भस्म वगैरह मैं ऐड करती हूँ। प्लस पथ्य के लिए मैं लाइट डाइट रेस्ट रिलैक्सेशन थेरेपी ये सब तो बोलती बोलती हूँ, और एक्सपोजर ऑफ विंड जो मैंने बोला लड़कियां बाल खुले करके घूमती हैं, ये सब मैं अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ। थैंक यू सर। और कभी ऐसा देखा है एसी का ज्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से हेडेक होने लगा, ठंडी में रहे बात बहुत तो हो गया ऐसा? सर ये तो कॉमन है नस्या वालों में, जिनको नशे के लिए बोल दो वो कहना नहीं मानते हैं ना, वो एसी में जाके मीटिंग वीटिंग कर लेते हैं, वो लेके आ जाते हैं सिर पकड़ के। सर ये तो बहुत है, थैंक यू और ऐसे भी है ही सर, है ही ऐसे भी है सर। स्पेशली मुझे भी होता है कि जैसे जब मैं थोड़ा सुकुमार टाइप की हूँ शायद, मुझे लगता है मैं जरा सा भी कोल्ड सीजन बढ़ जाएगा और मैं हेलमेट लगा करके भी मैं गाड़ी चला लूंगी तो मेरे को पक्का होना है, इसलिए मैं ना अभी विंटर में छोड़ देती हूँ हेलमेट लगाना, गाड़ी चलाना ही छोड़ देती हूँ एकदम। ये तो है सर फिर आपके प्रकृति एरोप्लेन में जाती है हमेशा, आप के। बाहर कैसे जाती है फिर फिर? मैं वॉक करके जाती हूँ सर, मैं अपने क्लिनिक तक, मतलब मैं जहाँ मेरा क्लिनिक अच्छा है। हाँ अच्छा तो 10-15 मिनट 20 मिनट का ये वॉक भी हो जाता है, और विंटर में जैसे कि थोड़ा सा वॉक करने से थोड़ा सा गर्मी भी आ जाती है, और आरामी में तो रहते हैं अपन लोग विंटर में, तो कपड़े वपड़े पहन के और खा पी के। सर जी, थैंक यू मैम। आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? मैं नोएडा में प्रैक्टिस करती हूँ सर, नोएडा में। अभी देखिए मेरा आपके सर पास लाइन चैरिटेबल लगी। हॉस्पिटल है ना, मेरा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ पे ना दवाइयाँ ये लोग खुद ही देते हैं एलोपैथिक वाली। तब भी आप इतना तो अभी आयुष दर्पण पे फेमस हो रही है ना, आपके पास लाइन लगेगी, इतने लोग आएंगे नहीं आपके नहीं पास। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई फेमस नहीं हो रही सर। आप ना आप मैंने सुना है सर आप ना ऐसे ही फेमस कर देते हो बोल बोल करके सबको।
होना चाहिए ना, अभी हम अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ेगा। सर पता है अभी मुझे कैसा फील होता है जब आप हमें पढ़ाते हो ना सवेरे के टाइम में, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ वाकई में वो जो पहले के जो ऋषि मुनि होते थे ना, अपने अपने उनको लेकर के शिष्यों को लेकर पढ़ाते थे, सर अभी मुझे वैसा ही फीलिंग होती है। चलिए कल से रेगुलर होगा, आज कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए आज नहीं हुआ, कल से रेगुलर होगा माधव निंदन का क्लास। जी सर थैंक यू। हाँ और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। वेगावरोध जन्य वात प्रकोप की वजह से हेडेक, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेडेक, ऐसे पेशेंट देखे हैं आप लोगों ने? डॉक्टर रश्मि मैम, डॉक्टर शशि मैम कुछ बोलिए आप लोग। प्रभात जी नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। इस तरह के तो काफी पेशेंट्स आते हैं और बताते हैं नहीं है, तो कई बार पूछना पड़ता है क्योंकि चाहे बेगावर हो, चाहे कई बार होता है ना पेशेंट फास्टिंग में, या कहीं मान लीजिए कोई सुबह से निकल गया शाम तक उसको समय ही नहीं मिला, बाहर कुछ खाने को उसको नहीं मिल पाया, तो उसमें भी होता है। जो आपने बताया बच्चों को एग्जाम के टाइम में होता है, स्ट्रेस ले लेते हैं ज्यादा, या कभी बहुत ज्यादा इंसान परेशान हो जाता है जैसे काम भयात वायु जो है क्रोध वगैरह से, तो वहां पर भी होता है। तो ये तो काफी होता है। और कॉन्स्टिपेशन खास करके अगर कोई स्टूल का प्रेशर आया है और उसको रोक लेता है तब तो बहुत बुरा दर्द होता है। तो ये सब सारी चीजें तो है ही सर। और भी मान लीजिए कोई और भी अर्जेस हैं उसको भी रोकते हैं तो लोग उसमें भी होता है दर्द, काफी होता है सर दर्द। तो उस वक्त सबसे पहले जैसे आपने ट्रीटमेंट का बताया कि हेतु जानकर उसका निवारण करना ही बेस्ट ट्रीटमेंट है, और सुखोष्ण घी वगैरह से सिरोभ्यंग वगैरह किया, हॉट फूड बाथ का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अगर हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है। या मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका आता है अगर सर दर्द हो रहा है तो आप सो जाओ, उससे बढ़िया कोई ट्रीटमेंट नहीं। अगर अच्छी से नींद आ जाती है तो सबसे बढ़िया मतलब सर दर्द ठीक होता है। जैसे मैं तो कभी बचपन से खुद भी नहीं लिया है। आपका म्यूट हो गया जी सर। हाँ कभी मन का आती है वन के लोग ज्यादा झुक झुक के उल्टी करते हैं उसकी वजह से। हाँ। ऐसे देखा है? ऐसा ये हुआ था। हाँ। किसी का मतलब फोरम पर ही दिखाया था, वॉमिटिंग का केस था तो उसके बाद था, और मैंने किसी और में भी किसी ने कंप्लेन करा था कि वीरेशन का ये हुआ था तो हुआ था। कई बार लूज मोशन वगैरह जब ज्यादा हो जाते हैं तब पर भी होता नहीं, फीवरिश सी बॉडी हो जाती है और हेडेक वगैरह भी होते हैं, तो अगर अर्जेस ज्यादा जा रहे हैं तो उसके समय होता। और फीवर में बहुत हेडेक होता है, या फीवर के आने से पहले भी हेडेक काफी होता है कई बार, कुछ लोग को सर दर्द ही मेन रीजन सामावस्था रहती है, इसमें रस्व स्त्रोत का दृष्टि होता है, और कोई भी हेडेक हो उसमें जरूर ही जरूर अमावस्था रहती है। और कई बार सर जुकाम जब हुआ रहता है तो भी बहुत बुरा सर दर्द होता है। वो कफज वो हम परसों करेंगे, हम कल पित्तज करेंगे। हाँ, जैसे और कुछ लोग के साथ है प्रॉब्लम होती है कि मतलब वॉक करने का मन कर रहा है और गए वो बढ़िया से वॉक करके आए, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कैप वगैरह नहीं लगाया तो उसके बाद ठंड होता है। कई सारे लोग को बहुत चिल्ड एसी जैसे ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो कई बार रेलवे वाले ध्यान नहीं देते ना, कई बार बहुत चिल्ड एसी होता है तो उस केस में भी होता है, उनको ठंड भी लग जाती है मतलब सर दर्द भी होता है। मैंने ऐसे केस भी देखा कुछ लोग को बुखार तक हो गया है, तो ये चीजें भी होती है सर। और ये देखा है जो धूल में बहुत ज्यादा काम करते हैं उनको हेडेक होते हैं धूल धुआं में? हाँ होता होगा सर, बट वो वाले पेशेंट नहीं देखे हैं क्योंकि मेरे पास अभी तक टीवी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, अतियोग हो रहा है, टीवी बहुत ज्यादा देख रहे हैं तो अतियोग। हाँ, वो तो है, टीवी है, आपने जैसे बताया कि पढ़ने का है, कभी कभी होता है ना टेंशन आ जाता है तो इंसान कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा होता है तो सब भी टेंशन हो मतलब सर दर्द होता ही होता है। हाँ डॉक्टर वर्षा मैम बहुत अच्छा बोल रही हैं। वर्षा मैम आप क्या बोल रही हैं, आप बोलिए, लोग फेसबुक पे भी सुन रहे हैं। डॉक्टर वर्षा सर, आवाज नहीं निकल रही आज मेरी। क्या हो गया, आप दही खाई थी या आइसक्रीम खाई थी, कुछ तो खाई है? आपने लिखा है मेंसेस आने के पहले या जाने के बाद भी शिरशूल होता है, इसको कैसे ले? तो ये अपान की दृष्टि रहती है ना, अपान वायु जो है वो प्रतिलोमित होके सिर में चला जाता है, स्त्रोतोरोध होता है तो उसके वजह से हो रहा है होता है। वर्षा कंचन मैम आप बताइए मेंसेस के पहले या बाद में जो होता है शिरशूल उसके बारे में आप क्या बता सकती है?
जी सर, ऐसे ही है, अपान वायु के वजह से ही ये शिरोशूल होता है। मेरा भी एक पेशेंट चल रहा है, वो अभी 2 महीने हो गए, तो उनको जैसे यहाँ पे क्या होता है मैम, जैसे उसके वो जो पीरियड रहता है मेंसेस का, तो उनको सबसे पहले तो आप उनका आहार वो 4 to 5 days के लिए बिल्कुल एकदम नॉर्मल कर दीजिए, जैसे कि दाल और चपाती है या फिर दूधी की सब्जी और चपाती, इस पर ही डालिए, क्योंकि उन वो पेशेंट में मोस्टली वात वृद्धि बहुत ज्यादा मिलती है और वो पीरियड्स के दिनों में तो वैसे भी रहती है, और स्पेशली जिनको ये पेन हो रहा है उनको तो बिल्कुल आपको खाना ही ऐसा देना है कि वहां पे उसका वहां पे वात की वायु ज्यादा नहीं बने, अनुरोमित भी अच्छे से हो जाए, पेट अच्छे से साफ हो जाए ना, तो वहां पे पेन कम हो जाता है। मेरे ये पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, पहले महीने में उनको इतना नहीं लगा, वो बोले कि मुझे पेन हो ही रहा था, पर सेकंड मंथ में मैंने सेम कंटिन्यू किया, तो वो बोल रहे थे कि जैसे कि वो 10 दिन पहले से थोड़ा थोड़ा हेडेक स्टार्ट होता है, वो नहीं हुआ, पर ड्यूरिंग पीरियड जो 2-3 दिन हुआ तो वो हुआ। तो मैंने बोला अभी थर्ड मंथ में ऐसे होएगा कि जैसे 3 दिन वो पेन हो रहा था वो भी नहीं होगा, बस उसको आपका जो डाइट है वो चेंज कर दीजिए, एकदम नॉर्मल डाइट पे आइए, स्पेशली वो 3 to 4 days आपको कोई भी जंक फूड नहीं खाना है, कोई मसाले वाली चीजें नहीं, बेसन वाली चीजें नहीं, और मोशन बिल्कुल साफ है, इसलिए कुछ उनको अनुलोम के लिए कुछ दे दीजिए, तो ये बहुत फायदा करता है। या फिर हमारी जो द्राक्षा होती है ना, बड़ी द्राक्षा, तो उसको भिगो के, अंजीर है या फिर खजूर है, उसको भिगो के उसका पानी लेने के लिए बोलिए, तो वो भी बहुत फायदा करेगा। थोड़ा छाछ वगैरह लेने के लिए बोलिए तो उससे भी फायदा होगा। तो वहां पे आपको बस उसके वायु पे ही काम करना है, मतलब वहां पे अनुलोमित करना है वायु को, तो ठीक हो जाता है मैम हेडेक। जी सर, ठीक है। और कोई बोलना चाहता है? डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? यस सर, नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। सर एक्चुअली मैंने बेंगलोर में देखा था, वहां क्या ना सुबह शाम बहुत ठंडी हवा चलती थी, तो मैं देखती थी लेडीज वहां पर ब्रह्मरंध्र जो एरिया होता है ना, वहां पे रासनादि चूर्ण लगा के 1 pinch लगभग जो है सुबह आती थी हॉस्पिटल में, और बच्चों को भी नहलाने के बाद वो रासनादि चूर्ण वहां लगाती थी। तो मैंने पूछा तो पता चला कि ठंडी हवा से बचाने के लिए वैसे करते हैं, उसका वात शामक एक्शन था, तो एक नई चीज देखने को मिली। बाकी तो आपने इतना कुछ और दूसरे डॉक्टर्स ने इतना कुछ बताया है सर, बस एक छोटी सी बात ही ऐड करनी थी। आप लोग भी रासनादि चूर्ण का प्रयोग करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपके पेशेंट लोगों में। ठीक है, थैंक यू मैम रश्मि मैम ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू। वेलकम सर। और किसी को कुछ बताना है, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, नहीं तो सेशन बंद करते हैं, फिर 8:15 फिर मिलेंगे। नहीं बोलना ना, तो ठीक है, थैंक यू। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, कल हम पित्त शिरोशूल पे बात करेंगे 7:00। थैंक यू, और 8:15 इंटरेक्टिव सेशन होगा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। Sure.